रहीम। सूरह हूद वर्स 6 नंबर आयत है। सूरह हूद 11वां सूरत है कुरान मजीद का। इस आयत की तर्जुमा भी करेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। There is no moving creature on earth whose provision is not guaranteed by Allah. He knows where it leaves and where it is laid to rest. All is written in a perfect record. Urdu tarjuma is tarah karenge, Wama min dabbatin fil ardi, कोई भी जानवर या जानदार जमीन में नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि उसका जो रिज़्क है वो अल्लाह पे ना हो। यानी सारे जानदारों का, जमीन के सारे जानदारों का रिज़्क अल्लाह पे है। सारे जानदारों को रिज़्क अल्लाह ने देना है। वयालमु और अल्लाह जानता है, मुस्तकर रहा उस जानदार का, यानी हर एक जानदार की तरफ इशारा है, उस जानदार के रहने की जगह। व मुस्तौदाहा और मौत के बाद की जगह जहाँ पे वो सुपुर्द होगा। यानी अल्लाह ताला हर जानदार के रहने की जगह को भी जानता है और मरने के बाद जहाँ पे दफन होगा वो जगह भी जानता है। कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, ये सारी इंफॉर्मेशन एक किताब में लिखी हुई है। किताबी मुबीन में लिखी हुई है, रोशन किताब में लिखी हुई है। तो अल्लाह इतना बड़ा ज़ात है कि एक तो रिज़्क का वादा करता है कि हर एक जानदार का रिज़्क मैं दूंगा, मैंने देना है, बल्कि मैंने जानदार बाद में पैदा किया है और उसका रिज़्क पहले से मैं डिसाइड कर देता हूँ कि ये इसका रिज़्क है। सिर्फ ये नहीं कि उसका रिज़्क उसको मिलेगा, बल्कि अल्लाह ताला ये भी जानता है कि ये कहाँ रहेगा और कहाँ मर के दफन होगा। इन जगहों का भी इलम है और ये सारी इंफॉर्मेशन एक रोशन किताब में अल्लाह ताला के पास महफूज है। तो यहाँ लाइफ की बात हुई है और जमीन में जितने जिंदा सर है उनकी रिज़्क की बात हो गई है। तो यानी अगर साइंटिफिकली हम देखें, ये बात बहुत मुश्किल है कि हर एक चीज का, यानी हर एक चीज का रहने की जगह भी, रहने की जगह का भी पता हो और जहाँ मरेगा और दफन होगा उस जगह का भी पता हो, ये साइंटिफिकली बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला ये चीज़ें जानता है। और अभी मेरे ख्याल में ये गूगल अर्थ और इन चीज़ें आई हैं, लोगों को तलाश करते हैं और ढूंढते भी हैं, लेकिन पूरा वो कामयाब अभी तक नहीं हुआ है।
इंसानों के मामले में, तो जानवरों के मामले में फिर इसमें चिविंटी आ गई, फिर इसमें ऐसे जानदार भी आ गए जो नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो इन सब का जो है वो अल्लाह ताला वो इल्म रखता है कि कहाँ रहता है, कहाँ मरेगा, कहाँ दफन होगा। इसकी तरफ साइंस अभी जा रही है, साइंस बहुत पीछे है अभी इसकी तरफ, वो तगोदाव में है कि हर एक बंदे का इंफॉर्मेशन रखे पास, और कोई भी बंदा जो है वो साइंस की आंख से छुपा हुआ ना हो, वो अभी साइंस कोशिश कर रही है। ये जो अभी मोबाइल हर एक बंदे को मिला हुआ है, ये एक किस्म का एक ऐसा आला है कि जो आप इंसान की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाता है कि किधर है। आपको पता होगा कि आप मैसेज आता है कि आप वो ऑन करें, कि आपका लोकेशन ऑन करें। लोकेशन जब आप ऑन करते हैं तो दूसरों को आपको लोकेशन का पता लगता है, और जो लोग कंट्रोल करने वाले वो लोकेशन आपका पता करते हैं। तो लोकेशन की जो एप्लीकेशन है मोबाइल में, ये इंसान को मतलब ये है वो करता है कि उसकी इंफॉर्मेशन पीछे लोगों को देता है कि ये बंदा किधर है और कहाँ पे रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये अभी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है, जबकि अल्लाह ताला के पास ये इलम पहले से है, और ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। आप चिविंटू को तो कोई मोबाइल नहीं दे सकता, या वो जो चीजें जो नजर नहीं आती उनको कौन मोबाइल पहुंचाएगा, और उनका इंफॉर्मेशन कैसे फिर करेगा। लेकिन अल्लाह ताला के पास ये इंफॉर्मेशन है, सारे जानदार, सारे चलने फिरने वाली जानदार हैं, उनकी जो जगह का भी पता है, और जहाँ मरेगा दफन होगा उसका भी पता है, और उसके साथ अल्लाह ताला ने रिजक का वादा भी कर दिया इस आयत में। तो मतलब ये है कि अगर हम इलम की बात करें और साइंस की बात करें तो साइंस अभी बहुत पीछे हैं हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रखने में। ओके, थैंक यू।